आज के भी इस वीडियो में हम एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं जो कि खास तौर पे उन लोगों के लिए है कि जिन्हें ट्रेडिंग करने का शौक है मगर उन्हें अच्छे से ट्रेडिंग नहीं आती है। मतलब ये कि वो सिर्फ इस चीज़ को जानते हैं कि रेड कैंडल सेल के लिए होती हैं, ग्रीन कैंडल जो है बाय के लिए होती हैं। उन्हें किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करना आता है कि बाय कैसे लेनी है, सेल कैसे लेनी है, मगर उससे ज़्यादा वो नहीं समझ पाते हैं। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोगों को 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स देती है। अगर आप लोग फॉरेक्स में काम करना चाहते हैं, क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं, स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं, हर पेयर में आपको अच्छा रिजल्ट देगी। और अगर आप लोग क्रिप्टो में रहते हुए लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोगों को 4 आवर्स, 1 डे और 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी बेहतरीन रिजल्ट्स देती है। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आप लोगों को तमाम चीज़ें दिखाऊँ। मुख्तसर ये कि अगर आप लोग इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ में ट्रेड लेते हैं तो 10 में से आपके 7 से 8 ट्रेड्स यकीनी तौर पर कामयाब होती हैं। मगर ज़रूरत इस बात की है, जो रूल बताऊंगा उसी रूल के ऊपर रहते हुए आप लोगों ने काम करना है, तब ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोगों को हेल्प आउट करने वाली है। अगर आप लोग इस एरिया में देखो तो हमें ये ग्रीन कैंडल्स के बाद में एक ये वाइट कैंडल मिली है। इसने हमें ये बताया कि भाई अब आप लोगों को यहाँ पे जो मूव है वो चेंज होने वाली है। मतलब ये कि वाइट कैंडल आप लोगों को हमेशा अलर्ट करेगी कि तैयारी कर लो भाई, आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड मिलने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाइट कैंडल के लो पर एक लाइन लगा देता हूँ और जो कैंडल भी अब इसके लो को ब्रेक करेगी हम वहाँ पे आकर अपनी सेल ले लेंगे। हम यहाँ से आकर अपनी सेल लेते हैं इस जगह पे और आपका जो स्टॉप लॉस है वो होगा वाइट कैंडल का हाई या फिर उससे प्रीवियस कैंडल का हाई। और अगर आप लोग यहाँ पे आकर देखो तो इसने मुझे एक बेहतरीन किस्म का मोटा तगड़ा प्रॉफिट दिया। हमारा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 7.51। एक चीज़ यहाँ पर गौर से देख लो, जो मैंने दूसरी इस चीज़ का सहारा लिया वो क्या है। तो आप लोगों ने क्या देखना है कि ट्रेड लेते वक्त आपका जो MACD कॉलम है वो 0 लाइन से नीचे है या नहीं है। तो ये 0 लाइन से नीचे है, यहाँ पे वाइट कैंडल के नीचे हमें क्लोजिंग मिली तो ये हमारी एक परफेक्ट सेल थी जो कि हमने यहाँ पे ली। आइए एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। रेड मूव के बाद में हमें यहाँ पर ये एक छोटी सी वाइट कैंडल मिली जिसने हमें अलर्ट साइन दिया कि भाई ट्रेड की तैयारी पकड़ लो। अगर हम इसे थोड़ा सा जूम करके देखें तो वाइट कैंडल का जो हाई है यहाँ पे ब्रेक हुआ है। मतलब ये कि मुझे अब यहाँ पे ट्रेड लेनी है, मगर मैं उससे पहले क्या देखूंगा कि हमारा जो MACD कॉलम्स हैं वो 0 लाइन से ऊपर हैं या नहीं है। तो 0 लाइन से ऊपर है तो हम यहाँ पे आएंगे और आकर एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो होगा वाइट कैंडल का लो या फिर उससे प्रीवियस कैंडल का लो। और अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो है 2.61, एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हमें यहाँ पे एक वाइट कैंडल मिली, आप क्या करोगे इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे और इस कैंडल ने जो है इसका लो ब्रेक किया। अब हमें ये देखना है क्या हमारा जो MACD कॉलम है वो 0 लाइन से नीचे है या नहीं है। सेल में हमेशा MACD कॉलम जो है 0 लाइन से नीचे होने जाएंगी। अगर आप लोग बाय ले रहे हो तब हमारा ये जो MACD कॉलम है वो 0 लाइन से ऊपर होगा। तो यहाँ पर फिलहाल ये 0 लाइन से नीचे है तो हमारी यहाँ पर बनती है एक सेल। ये हमारा स्टॉप लॉस हमेशा की तरह वाइट कैंडल या फिर उससे प्रीवियस कैंडल का हाई। और अगर आप लोग यहाँ पे भी देखो तो हमारा यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बना है 6.13। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये देखें, रेड कलर की मूव के बाद में हमें यहाँ पे एक वाइट कलर की कैंडल मिली। हम क्या करते हैं इसके हाई पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि हमारा जो MACD कॉलम्स हैं वो 0 लाइन से ऊपर है या नहीं है। तो ये भाई 0 लाइन से ऊपर है, हमारी जो बाय है इस कैंडल में बनती है और स्टॉप लॉस हम रखेंगे वाइट कैंडल या फिर उससे प्रीवियस कैंडल का लो। और अभी हम इसे आगे चलाकर देखते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो इस जगह तक देखें तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है 2.4 के लगभग, एक अच्छा मोटा तगड़ा प्रॉफिट। इनकेस अगर हमें यहाँ पर नुकसान भी हो तो अगर आप देखोगे तो हमने बिल्कुल प्रीवियस कैंडल का जो लो है उससे स्टॉप लॉस रखा हुआ होता है। मतलब ये कि हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस इतना ज़्यादा नहीं है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो इस ट्रेड के बाद में हमें यहाँ पे एक छोटी सी वाइट कैंडल मिली है। हम इसे थोड़ा सा जूम करते हैं और मैं क्या करता हूँ इस कैंडल के लो पे एक लगा देता हूँ लाइन। मगर क्या हुआ, इसके लो के नीचे हमें कोई भी कैंडल नहीं मिली जो इसे ब्रेक करे। उसके बाद हमें एक रेड कैंडल मिली, रेड कैंडल के बाद में हमें यहाँ पर वाइट कैंडल मिली जिसने कहा कि अब मूव यहाँ से फिर से चेंज हो सकती है। हम क्या करते हैं अब इसके ऊपर यहाँ पर आकर एक लाइन लगा देते हैं। इसने हमें यहाँ पे ट्रेड दिया तो डेफिनेटली अब हमें यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा। ट्रेड हम लेंगे यहाँ पे लॉन्ग, हमने ये लिया ट्रेड। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो होगा प्रीवियस कैंडल यानी कि जो वाइट कैंडल है उसका लो और इसने हमें यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट करवा दिया। अगर आप लोग देखो हमारा यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो बहुत ही छोटा है, वो तो हमें इस एरिया में फिर से ट्रेड मिली है।
हम क्या करते हैं, इस वाइट कैंडल के नीचे एक लाइन लगा देते हैं। ये हमारी लाइन लग गई। अब हमें ये देखना है कि जो कैंडल इसे नीचे ब्रेक करेगी हम वहाँ पे आकर अपनी सेल लेंगे। सेकंड, हमारे पास में क्या एविडेंस है कि जब हमारा MACD जो कॉलम्स हैं सेल के दौरान में वो जीरो लाइन से नीचे होने चाहिए। तो ये देखें, यहाँ पे जीरो लाइन के नीचे है, तो हमारी ये एक कन्फर्म जो है सेल ट्रेड बनी है। ये हमने ट्रेड लिया। अब हमारा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो होगा वाइट कैंडल या फिर उसे प्रीवियस कैंडल का हाई। हम इसे यहाँ पे आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि हमें ये कितना प्रॉफिट देती है। और अगर आप लोग देखो तो इस दौरान में हमें एक भी ग्रीन या वाइट कैंडल नहीं मिली है कि जो हमें ये इंडिकेट करे कि आप लोगों को स्ट्रेट से एग्जिट हो जाना है। 5 मिनट का यहाँ पे देखो मैंने टाइम फ्रेम यूज़ किया हुआ है। हमारा यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो कितना बना है, 11.7। मतलब ये कि अगर नुकसान होता तो एक हिस्सा होना था और जो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 11 गुना। तो इस तरीक़ाकार से ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोगों को बढ़िया किस्म के रिजल्ट्स देती है। मेरे पास यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा सकता हूँ। अगर आप लोग इस एरिया में जस्ट आकर देखो, आपने यहाँ पे आकर ट्रेड लिया, एक मोटा तगड़ा इसने यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे दिया। अगर आपने यहाँ पे आकर ट्रेड लिया है सेल का, आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे हिट भी होता है तो एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होता है। और अगर आप लोग यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलो, इस कैंडल में अगर आप ट्रेड लेते हो, आपका जो स्टॉप लॉस है वो होगा सेम कैंडल या फिर प्रीवियस कैंडल का हाई। और हम यहाँ पर अगर देखें 5.92 की रेशो से हमारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है। मतलब ये कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नाना करते हुए भी हमें 75 से लेके 85% तक के रिजल्ट्स देती है। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कभी भी 100% वर्क नहीं करती है, प्रॉफिट और लॉस के साथ ही ये तमाम काम चलता है। तो इस इंडिकेटर का नेम क्या है, इसकी कस्टमाइजेशन क्या है, हम उस पर बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग देखो तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को वीडियो मिलती है लो मार्केट कैप कॉइन्स की साइंस के हवाले से कि ये कैसे फ़ायदेमंद होते हैं, कैसे नुकसानदेह होते हैं, मार्केट कैप क्या होती है, FDV क्या होता है और लो कैप कॉइन्स को आप किन किन वेबसाइट से जाकर ढूंढ सकते हो। FVG के ऊपर एक डिटेल मैंने आप लोगों को वीडियो दी है। एक और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे हमने आप लोगों के लिए शेयर की है। फिर आप लोगों को हमने बाइनेंस एक्सचेंज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दी है। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक्स पर कैसे असरअंदाज होता है उसके लिए वीडियो दी है। ऑटो ब्लॉक्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो दी है। बाइनेंस एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाले कॉइन्स का कैसे पता लगता है, हम 10x कॉइन्स को कैसे ढूंढते हैं, कुछ मल्टीपल मूविंग एवरेजेस। कहने का मतलब ये कि ये चैनल आप लोगों को एजुकेट करने के लिए है कि हमारा ये टेलीग्राम चैनल है भाई, जहाँ पे हम आप लोगों के लिए कुछ क्रिप्टो कॉइन्स बता रहे होते हैं कि किस क्रिप्टो कॉइन में आप लोगों ने इन रहना है, कहाँ से आप लोगों ने एग्जिट हो जाना है, कौन सा क्रिप्टो कॉइन आप लोगों को 10x 20x दे सकता है, वो चीज़ें बताते हैं प्रूफ के साथ। किस क्रिप्टो कॉइन को आप लोगों को किस प्राइस पर आकर बाय करना है, डिप जो है कितनी आ सकती है, कहाँ पर जाकर सेल करना है, तमाम चीज़ें कम्प्लीटली फ्री। इसके अलावा यहाँ पे हम आप लोगों के साथ में कुछ एयरड्रॉप्स भी शेयर कर रहे होते हैं। तो टेलीग्राम बिल्कुल फ्री में है, लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिले आप लोगों ने वहीं पे आकर इसे ज्वाइन करना है। तो फाइनली बात करते हैं कि इस इंडिकेटर को लगाना कैसे है, इसकी कस्टमाइजेशन क्या है। आप लोगों को यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिलता है, आप लोग इधर आएंगे और टाइप करेंगे TRADER ट्रेडर स्पेस X। ओ, आप लोगों के सामने ये एक इंडिकेटर आ जाता है जिसके जो राइटर हैं ये हैं BTC Charlie। आप लोग इसे यहाँ से सेलेक्ट करोगे, वन टाइम क्लिक करोगे सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पे सिंपल लिखोगे MACD, जो सिंपल MACD होता है उसे आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करोगे। इंडिकेटर्स लगाने के बाद आप आएंगे यहाँ सेटिंग में, ऑब्जेक्ट ट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अभी जो चीज़ें बताने लगा हूँ इसे बहुत गौर से देखिएगा और जो सेटिंग जैसे बताऊँगा उसे वैसे ही करना है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है वरना ये स्ट्रेटजी सारी ख़राब हो जाएगी। इनपुट्स में रहते हुए फर्स्ट ऑप्शन को क्लोज रखोगे 12:25:25 ऐसे ही रहेगा, 3:3:14:14 RSI जो लेंथ है और जो स्टॉकिस्टिक लेंथ है ये 14:14 ही रहेगी, इसे आप लोगों ने नहीं छेड़ना है। अपर बैंड 80:50:20 ऐसे ही रहेगा। ये जो 4 टिक्स हैं इन्हें आप लोगों ने हटा देना है। मूविंग एवरेज टाइप जो है EMA रहेगी, क्लोज रहेगा और इसकी जो लेंथ है वो रहेगी 200। यहाँ तक ये काम ओके हो गया। स्टाइल्स में आ जाएंगे, कंसोलिडेटेड EMA, फास्ट EMA, स्लो EMA, इन तमाम चेक्स को आप लोग यहां से हटा दोगे। बार कलर्स को नहीं हटाओगे, इसका कलर यहां से चेंज करना चाहो कर सकते हो। ये जो वाइट कलर है ये मेरे इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। फिर यहां पे ग्रीन और रेड जो बार कलर दूसरे वाला है इसे ऐसे ही रहने दोगे। ये जो कलर्स हैं ये हमारी कैंडल्स के कलर को शो कर रहे हैं। क्रॉस ओवर 1, 2, 3, 4 इन तमाम को आप लोग यहाँ से हटा दोगे। लेबल्स और वैल्यूज़ इन चेक्स को भी हटा दोगे। विजिबिलिटी जैसी की जैसी है वैसे रहने दोगे। ओके पे क्लिक करोगे, ये जो आपका इंडिकेटर है उसकी सेटिंग यहाँ पे ऐसे हो जाएगी जैसे कि मेरी आप लोगों को नज़र आ रही है।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है MACD, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, इनपुट्स में आ जाएंगे। फास्ट लेंथ 12 रहेगा, 26 क्लोज, सिग्नल स्मूथिंग 9 रहेगा, EMA, टाइम फ्रेम इसका रहेगा 4, ऐसे ही। अब अगर आप लोग स्टाइल्स में आओ तो ये टिक यहाँ से हटा देना है हिस्टोग्राम का। MACD का ये जो कलर है इसे आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, आप देख सकते हो जो नीचे चेंज हो रहा है, मगर यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है इसे आप लोगों ने लाइन से हटाकर इसका ये जो कॉलम वाला सेक्शन है ये वाला यहाँ पे ले आना है, ओके पे क्लिक करना है, तो सेम ऐसा ही शो हो जाएगा जैसा कि मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। आई बिलीव इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। किसी भी किस्म का इशू आता है मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, ये वीडियो पसंद आई है तब भी कमेंट करके बताएं, सो दैट हमें पता लगे कि ऐसी और वीडियोस लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।